गुड मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन. सो किड्स, टेल मी व्हाट इज़ द डेट टुडे? टुडे इज 16 जून 2021. किड्स, व्हाट इज़ द डेट टुडे? टुडे इज वेंसडे. टुडे इज वेंसडे. Kids, today our subject is Hindi. Hindi. Kids, this is your Hindi book. Pitara. This is your Hindi book. Pitara. ये आपकी हिंदी की किताब है जिसका नाम है Pitara. और आज हम हिंदी की कक्षा में एक नया स्वर सीखेंगे. पर उससे पहले हम देखेंगे कि हमने कौन कौन से स्वर पढ़ लिए हैं और उनका पुनः अभ्यास करेंगे. सो किड्स, ये आपकी वर्ण माला है. वर्ण माला. ये आपके स्वर हैं और ये आपके व्यंजन हैं. अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? स्वर. बच्चों, फिर हमने कौन कौन से स्वर पढ़ लिए हैं? ये है स्वर अ. अ. अ से अनार. कौन कौन से स्वर हमने पढ़ लिए हैं? अ से अनार. दूसरा आ. आ से आम. इसे हम छोटा आ भी कहते हैं. छोटा आ. छोटा आ से अनार. बड़ा आ. बड़ा आ से आम. इ. इसे हम जल्दी बोलते हैं. इ. इ. इ से इमली. इ से इमली. सो किड्स, आज का स्वर, नया स्वर क्या है? ई. अभी हमने बोला ना, छोटी ई को कैसे बोलते? जल्दी बोलते ई. पर हम जब बड़ी ई को बोलते हैं तो उसे खींच कर बोलते हैं ई. तो आज हम बड़ी ई के बारे में सीखेंगे. तो बच्चों, आप मेरे साथ निकालिए पेज नंबर 12. और यहाँ पर आपको नया स्वर मिलेगा. कौन सा? बड़ी ई. बड़ी ई. और यहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स बनी हैं, बहुत सारे चित्र हैं, और हम देखेंगे कि बड़ी ई से क्या क्या चीज़ें होती हैं. तो सबसे पहले बड़ी ई. बड़ी ई से ईद. ई से ईद. ईद पता है क्या है? ईद एक त्यौहार है. और क्या होता है बड़ी ई से? ई से ईख. ई से ईख. इसे गन्ना भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे शुगर कैन कहते हैं. ये है ई से ईट. ई से ईट. इसे इंग्लिश में ब्रिक बोलते हैं और हमारे घर ईट से ही बने होते हैं. और ई से ईसा. ई से ईसा. ईसा हमारे गॉड हैं. इन्हें ईश्वर भी कहते हैं. अब हम सीखेंगे कि बड़ी ई कैसे बनती है. तो बच्चों, चलिए आप हमारे साथ बनाइए कि बड़ी ई कैसे बनती है. तो सबसे पहले एक छोटी स्टैंडिंग लाइन, फिर एक कर्व, जैसे कि आप सी बनाते हैं, एक कर्व, फिर एक और कर्व, जस्ट लाइक उल्टा सी.
और इसकी एक टेल, ऐसे। फिर छोटी स्टैंडिंग लाइन, कर्व, एक और कर्व, स्मॉल सर्कल, स्लैंटिंग लाइन। और अभी ऊपर की ओर एक कर्व बनाएंगे ऐसे, ठीक है बच्चों? एक बार फिर से देखेंगे, छोटी स्टैंडिंग लाइन, एक कर्व, सी, सी जैसा, फिर एक उल्टा सी, स्मॉल सर्कल, स्लैंटिंग लाइन, ऊपर की ओर एक कर्व और एक स्लीपिंग लाइन। ये क्या हो गया? ई, ई से ईद। एक बार और देखेंगे, छोटी स्टैंडिंग लाइन, कर्व, कोर कर्व, स्मॉल सर्कल, स्लैंटिंग लाइन, एक कर्व ऊपर की ओर से, फिर स्लीपिंग लाइन, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, कर्व, लेफ्ट साइड से एक कर्व, स्मॉल सर्कल, स्लैंटिंग लाइन, ऊपर की ओर एक कर्व और स्लीपिंग लाइन। तो बच्चों ये पेज नंबर 13, ये आपका होमवर्क है, आप इसे अपनी बुक में करेंगे और आप ऐसे ही अपनी नोटबुक में करेंगे। ई से ईख, ई से ईख। एक बार फिर से देखेंगे, छोटी स्टैंडिंग लाइन, एक कर्व जैसे सी, एक और कर्व उल्टा सी, स्मॉल सर्कल, स्लैंटिंग लाइन, ऊपर एक कर्व, स्लीपिंग लाइन। ओके बेटा, छोटी स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, कर्व, एक और कर्व, बार, स्मॉल सर्कल, स्लैंटिंग लाइन, ऊपर एक कर्व। तो बच्चों इसे आप अपनी नोटबुक में करेंगे और बुक में पेज नंबर 1313 करेंगे, ठीक है बच्चों? सो किड्स टेक केयर, बाय बाय।